प्रकृति की बहुमूल्य धरोहर में प्रकृति के पास वैसे तो बहुत सा खजाना छुपा हुआ है, लेकिन इसी बहुमूल्य धरोहर में एक नाम आता है लाल चंदन का। लाल चंदन ऐसा नाम जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हाल ही में जब इसकी स्मगलिंग पर एक फिल्म का दृश्य फिल्माया गया, नाम है पुष्पा, तो यह काफी चर्चित रहा। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि रेड सैंडलवुड या लाल चंदन क्या है। लाल चंदन के पाए जाने की बात करें तो यह मुख्यतः पूर्वी घाट के निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है। यह आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और सेसाचलम के जंगलों में पाया जाता है, जिसका विस्तार केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु तक है। वैसे तो आमतौर पर गर्म व शुष्क जलवायु में लाल मिट्टी वाले चट्टानी भूमि में यह उगते हैं। अपने लाल रंग व औषधीय गुणों के कारण लाल चंदन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी मांग सौंदर्य प्रसाधन, औषधि व लकड़ी उत्पादों व संगीत वाद्य यंत्रों में इसकी आवश्यकता इसकी महत्वता को दर्शाता है और इसकी लोकप्रियता भी इन्हीं कारण ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो लाल चंदन की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी कीमत है। एक टन लाल चंदन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है। अब बात करते हैं कि यह मुख्य तौर पर किस काम में आता है। तो वैसे तो इसका इस्तेमाल पाचन तंत्र संबंधी समस्या, खांसी, रक्त शुद्धि में होता है। इसके तने के केंद्र में पाए जाने वाली लकड़ी खासकर सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, जो दवा व रंगाई के कामों में आती है। इसी के कारण रेयर केस में मिलने के कारण यह बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और बहुत बड़े स्तर पर इसकी स्मगलिंग की जाती है। धन्यवाद।